दोस्तों फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र के कस्बा पाड़म में मंगलवार शाम को भीषण अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हो गई। बेसमेंट में बने फर्नीचर शोरूम में शाम 6:30 बजे आग लगी और आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, जहां बने आवास में 9 लोग रहते हैं, जिसमें से 6 लोगों की आग में फंसने के कारण मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची करीब 18 फायर ब्रिगेड और 12 थानों की पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 लोगों को सकुशल निकाल लिया, जबकि सभी 6 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं और हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये के मुआवजे देने का भी ऐलान किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना जसराना के कस्बापाड़ा में बाजार में रमन राजपूत का 3 मंजिला मकान है। राजपूत के मकान में स्थित बेसमेंट में फर्नीचर और ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार होता है। वहीं दूसरी ओर तीसरी मंजिल पर उनके 2 बेटों का परिवार रहता है। दरअसल मंगलवार की शाम 6:30 बजे बेसमेंट के फर्नीचर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फर्नीचर के गोदाम में लगते ही तेजी से बढ़ने लगी और मकान के ऊपरी हिस्से में भी पहुंच गई। घर में लगी आग को बढ़ता देख कारोबारी रमन राजपूत और उनका छोटा बेटा नितिन घर के बाहर आ गया, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य बाहर नहीं निकल सके। वहीं आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और उन्हें आग पर काबू पाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब 2-3 गाड़ी से भी आग पर काबू नहीं पाया गया तो पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद करीब 18 दमकल वाहनों और करीब 12 थानों की पुलिस द्वारा घर में फंसे हुए लोगों को निकालने का कार्य शुरू किया गया। घटना की भयावहता को देखते हुए जिले के DM व SP भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। ऐसे में बामुश्किल राहत बचाव कार्य किया गया, लेकिन 6 लोगों के घर में फंसने के कारण अंदर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों के शव पुलिस ने बाहर निकाल लिए हैं। आग के कारण मरने वालों की पहचान मनोज कुमार पुत्र रमन प्रकाश, नीरज पत्नी मनोज कुमार, भारत पुत्र मनोज, शिवानी पत्नी नितिन, तेजस्वी पुत्र नितिन माही के रूप में हुई है। जिले में हुई आग की हृदय विदारक घटना में 6 लोगों की मौत का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने हादसे में मृत हुए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर हुई जानहानि पर दुख जताते हुए शोक संवेदना भी व्यक्त की है।